अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बटर चिकन बनाने की बहुत ही अच्छी रेसिपी। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। पैन में मैं डालूँगी आधा चम्मच बटर, और आधा चम्मच ही तेल। अब इसमें डालेंगे 3 लौंग, 4 छोटी इलायची, ये एक अदरक का टुकड़ा था जिसको मैंने काट लिया था वो डाल दिया इसमें, 3 हरी मिर्चें, 7-8 जवे लहसुन के थे जिसको मैंने बारीक काट लिया था वो इसमें डाल देंगे, 3 बड़े टमाटर थे जिनको काट लिया है वो भी इसमें डाल देंगे, 1 पानी डालेंगे, 1 थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। चलिए जब तक कि ग्रेवी का सामान पक रहा है तब तक के चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। देखिए ये हमने लिया है 1/2 किलो चिकन। अब इसमें 1/2 कप दही डाल देंगे, गाढ़ा दही है ये। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच गरम मसाला, कसूरी मेथी को मैंने रोस्ट कर लिया था वो इसमें डाल देंगे, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डालेंगे इसमें, चुटकी भर इसमें कलर डाल देंगे, वैसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही जल्दी बनता है ये बटर चिकन और बहुत ही टेस्टी बनता है, तो बनाइएगा ज़रूर। अब इसे ढक कर रख देंगे 15 मिनट के लिए। देखिए इधर ये टमाटर भी गल चुके हैं, तो अब गैस को हम ऑफ कर देते हैं, इसे ठंडा कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। देखिए कढ़ाई में मैंने 3 बड़े चम्मच ऑयल लिया है, इसमें चिकन डाल देंगे, और चिकन को गलने तक ही पकाएंगे। देखिए चिकन हो गया था, मैंने उसे निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई में बाकी तेल मैंने निकाल के बस 1 चम्मच तेल छोड़ा है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर, और डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच डाल देंगे मिर्चों का पाउडर, ये जो जो टमाटर हमने पकाए थे उसको पीस के जो पेस्ट बनाया वो उसमें डाल देंगे। ये जार में थोड़ा सा रह गया था उसे कंगाल के मैंने डाला है इसमें। देखिए आप इसे छान कर भी डाल सकते हैं। ये 15 काजू थे जिसको मैंने भिगो लिया था, उसका पेस्ट इसमें डाल देंगे। अब इसमें चिकन के पीसेस डाल देंगे। चिकन मेरा ज़्यादा ही फ्राई हो गया कुछ, लेकिन आप बस इतना पकाइएगा कि गोश्त गलने तक ये पकाइएगा। चिकन ज़्यादा फ्राई होने की भी वजह एक है कि मेरा एक छोटा बेबी है 4 मंथ का, तो वो रोने लगा था तो मैं चली गई थी, लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। लास्ट में इसमें डाल देंगे 1 कप क्रीम। आप इसकी जगह घर में जो मलाई होती है उसे भी यूज़ कर सकती हैं। मिक्स करते हैं, एक उबाल आने देंगे, ऊपर से डाल देंगे कसूरी मेथी। देखिए रेडी है हमारा बटर चिकन, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट। और अब आप इसे नान के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।